महीना अप्रैल 1974, संपूर्ण क्रांति आंदोलन देश में आग की तरह फैल चुका था। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण पर लाठियां बरसाई जा रही थी। तब एक संघ प्रचारक उनके ऊपर लेट गया, बदले में उस संघ प्रचारक का हाथ टूट गया था। लेकिन तर्क दिया था जेपी घायल नहीं होने चाहिए, भले ही हाथ नहीं पूरा शरीर टूट जाए। संघ का यही विचारक जनसंघ का कार्यकर्ता बनकर यूपी पहुंचा था। पटना की घटना के बीच मैंने यूपी का जिक्र किया है, इस पर गौर जरूर करिएगा। यूपी पहुंचे संघ प्रचारक के लिए खाने को पैसे नहीं थे, रात धर्मशाला में बिताई। मदद के लिए राघव दास सामने आए और शर्त रखी बावर्ची बनने की। जनसंघ को मजबूत करने के लिए इस विचारक ने बावर्ची बनना भी स्वीकार कर लिया। मरणोपरांत 2019 में इस देश के विचारक को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यही कहानी है चंडिका दास अमृत राव देशमुख की, यानी नानाजी देशमुख की। नमस्कार, मैं हूं शैलेन तिवारी और आप देख रहे हैं एक किस्सा। आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल के उस दौर की। 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी अपने मंत्रालय में संघ विचारक को शामिल करना चाहते थे। चंडिका दास अमृत राव देशमुख को मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया गया, पर जवाब मिला नहीं। चौंकी है मत ये सच्चाई है। उन्होंने ये कहकर मंत्री पर ठुकरा दिया कि उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 60 साल के लोगों को सरकार में रहकर नहीं बल्कि सरकार से अलग रहकर समाज की सेवा करनी चाहिए। यह बात उस देश के लिए अचंभित करने वाली हो सकती है जहां 80 साल की उम्र में भी नेता मंत्रालय पाने की कोशिश करते हैं, जहां कुर्सी के लिए विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त होती है और मंत्री बनने की लालसा में पार्टियां बदल दी जाती हैं। खैर, ये तब की बात थी, अब तो सत्ता ही सर्वोपरि है। यहां हम बात कर रहे हैं संघ के विचारक और यूपी जैसे राज्य में जनसंघ को खड़ा करने वाले एक सन्यासी नेता नानाजी देशमुख की। ये वही नानाजी हैं जिन्होंने भगवान राम की तपोभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं से वो चंडिका दास अमृत राव देशमुख से नानाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान राम की तपोभूमि वाली लाइन को आप याद रखिएगा, इसके बिना नानाजी की कहानी अधूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, तो आइए पहले नानाजी को जानने के लिए यूपी चलते हैं। 11 जुलाई 1949 को जब पहली बार आरएसएस से प्रतिबंध हटा तो राजनीतिक गठबंधन के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना का फैसला किया गया। नानाजी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के महासचिव का प्रभार दिया गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। नानाजी के जमीनी कार्य ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1959 तक जनसंघ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी इकाइयां खड़ी कर ली थी। इस दौरान नानाजी ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिसके बाद भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनकर सामने आया। उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हस्ती और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त को नानाजी की वजह से 3 बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेसी नेता और चंद्रभानु के पसंदीदा उम्मीदवार को हराने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। 1957 में जब गुप्त स्वयं लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे, नानाजी ने समाजवादियों के साथ गठबंधन करके बाबू त्रिलोकी सिंह को बड़ी जीत दिलाई और चंद्रभानु गुप्त की हार हुई। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्त ही वो नेता थे जिन्हें सबसे ज्यादा चुनौती नानाजी देशमुख से मिली और नानाजी देशमुख को भी सबसे ज्यादा चुनौती चंद्रभानु गुप्त से मिली। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि, अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, नानाजी के संगठनात्मक कार्यों के कारण भारतीय जनसंघ महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बनकर उभरा। न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से बल्कि विपक्षी दलों के साथ भी नानाजी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। चंद्रभानु गुप्त भले ही नानाजी के कट्टर राजनीतिक विरोधी थे, पर वो नानाजी के बड़े समर्थक थे, हमेशा नानाजी का सम्मान करते थे और उन्हें प्यार से नाना फड़नवीस कहा करते थे। समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से नानाजी के रिश्ते हमेशा राजनीति की नई ऊंचाइयों को दिशा देने में काम करते नजर आए। बेबाकी से अपनी बात कहने वाले, जनसंघ और भाजपा के पितृपुरुष माने जाने वाले नानाजी ने अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, भाजपा चले न चले, नानाजी चलते रहेंगे। ये उन नानाजी के कथन थे जो 1980 में राजनीति को अलविदा कहकर समाज सेवा में जुट गए थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने भगवान राम की तपोभूमि का जिक्र किया था। ये तपोभूमि है चित्रकूट,
जिसे नानाजी देशमुख ने अपनी कर्मभूमि बनाया था, भगवान राम को अपना आराध्य मानने वाले नानाजी राजनीति से संन्यास लेने के बाद चित्रकूट गए तो हमेशा के लिए वहीं रह गए। यहीं पर नानाजी ने 1996 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने की नींव भी रखी जो आज दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की कल्पना को साकार करने की पहल की और इसके लिए शिक्षित युवा युवतियों से उनके जीवन का 5 साल देने का आह्वान किया। नानाजी की मेहनत रंग लाई, कई प्रदेशों से हर साल युवा दंपति चित्रकूट पहुंचने लगे। इन युवाओं को नानाजी 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण देते थे और उनसे कहते थे, राजा की बेटी सीता उस समय की परिस्थितियों में इस वन क्षेत्र में 11 साल तक रह सकती है, तो आज इतने संसाधनों के सहारे तुम 5 साल क्यों नहीं रह सकते। ये शब्द सुनकर नवदाम्पत्य में बनी युवतियों में सेवा भाव और गहरा होता गया। वो लोग पहाड़ों के बीच बसे गांवों के विकास की तरफ दौड़ने लगे। नाना जी का ग्रामोदय से राष्ट्रोदय आंदोलन अब उनका नहीं वरन मानव समाज का आंदोलन बन गया था, जिसके बाद नाना जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के तहत संचालित विभिन्न कई प्रकल्पों की स्थापना की। नाना जी ने चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा खेती बाड़ी, कुटीर उद्योग, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। हालांकि नाना की यह राह आसान नहीं थी। नाना जी को भी चित्रकूट में उन्हीं साधु संतों का विरोध झेलना पड़ा था जिस साधु संतों को लेकर भाजपा आज हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। नाना जी देशमुख के करीबी पत्रकार रहे परवेज अहमद ने कई जगहों पर लिखा है कि गांवों का विकास नाना जी देशमुख के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। साधु संतों ने नाना जी देशमुख के ग्रामोदय विश्वविद्यालय का विरोध किया था। साधुओं का कहना था कि चित्रकूट राम की तपोस्थली है और यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों के कारण यहाँ की गरिमा धूमिल हो सकती है। पर नाना जी ये नहीं रुके, विरोध के बाद भी लगातार गांवों के विकास के लिए काम करते रहे। संत समाज के विरोध के बाद भी देश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की और नाना जी इस विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति भी बने। नाना जी भाजपा जनसंघ के ऐसे अकेले नेता थे जिनके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे, जिन मोहम्मद अली जिन्ना के कारण देश का विभाजन हुआ था, जिनकी मजार पर फूल चढ़ाने से भारतीय राजनीति में हंगामा हो गया, उन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना के मंसर नानाजी देशमुख के दरबार में हाजिरी लगाते थे और मानव एकात्मवाद की शिक्षा लेने आते थे। अक्सर जिन्ना के वंशज यहाँ पहुंचते थे। अब बात चली है मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ये भी जान लीजिए, जिन्ना ने भारत से पाकिस्तान तो ले लिया पर अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सके। दीना वाड़िया मोहम्मद अली जिन्ना की एकमात्र संतान थी। विभाजन के बाद दीना ने भारत का नागरिक बनना स्वीकार किया जबकि पिता पाकिस्तान चले गए और जिन्ना की बेटी के वंशज नानाजी के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। यही नहीं, टाटा बिरला जैसे औद्योगिक घराने भी नानाजी के दरबार में हाजिरी लगाने से नहीं चूकते थे और नानाजी के ग्राम विकास की कल्पना पर चर्चा करते थे। जिस देश में कोर्ट कचहरी आम बात हो गई हो और हर बात में लोग कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाते हो, उस देश में कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ केस ना करें। पर नानाजी ने इस कल्पना को भी मूर्त रूप दिया। नानाजी देशमुख जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां कई गांवों में आपसी झगड़ों से लोग जूझ रहे थे। ऐसे में नानाजी देशमुख ने गांव के झगड़ों को निपटाने का दीना खुद उठाया। नानाजी ने चित्रकूट में रहते हुए करीब 500 गांवों को मुकदमों से मुक्त किया था। मुकदमा मुक्त होने का मतलब था कि इन 500 गांवों में आज भी कोई एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा नहीं करता है और आपसी झगड़ों से कोसों दूर रहता है। वहां इन गांवों का आदमी भाजपा पर अक्सर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है, लेकिन भाजपा के इस पितृपुरुष ने जिन 500 गांवों को मुकदमा मुक्त कराया था उसमें 10 गांव मुस्लिम बाहुल्य भी थे। चित्रकूट पहुंचने तक नानाजी देशमुख को चंडिका दास अमृतराव देशमुख के नाम से जाना जाता था, लेकिन सफेद दाढ़ी और गांव में निरंतर घूमने के कारण लोगों के बीच में महिलाओं के अधिकारों की बात करने के विचार ने चंडिका दास अमृतराव देशमुख से नानाजी देशमुख बना दिया। वो लोगों के नाना हो गए क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं एक घर के बुजुर्ग की तरह उन इलाकों में सामने आता गया और यही वजह रही कि इस नाम से वो ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। नानाजी देशमुख ने 27 फरवरी 2011 को चित्रकूट स्थित अपने आवास सियाराम कुटीर में अंतिम सांस ली। उस वक्त वे 95 साल के थे।
नाना जी ने अपनी वसीयत में अपनी देह मेडिकल शोध कार्य के लिए दान कर दी। इसकी घोषणा भी उन्होंने 1997 में ही कर दी थी। नाना जी का पार्थिव शरीर आज भी नई दिल्ली स्थित एम्स में सुरक्षित रखा हुआ है। मौजूदा राजनीति के गिरते हुए स्तर पर कटाक्ष करते हुए नाना जी ने कहा था, आज की राजनीति मुझे रास नहीं आती है। आज की राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता पाना है और मुझे इस राजनीति से घृणा हो रही है। राजनीति में जो गिरावट है वो समाज के लिए अच्छी नहीं। अच्छी राजनीति की आस लेकर वह हमेशा के लिए विदा हो गए। देश में उन्हें अब की बार भारत रत्न से अलंकृत किया है। नाना हमेशा इस सम्मान के साथ अलंकृत होते रहेंगे, उनकी बातें हमें याद आती रहेंगी। खैर, अब हमें दीजिए इजाजत, हम एक नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।